हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ रुपीज 700। देखना, मैं जहां जहां पर अंडरलाइन कर रही हूँ उस चीज को रीड करना ध्यान से। ए सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give a 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. देखिए हमारे पास अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम गिवन है। सम कितना गिवन है, 700। कितने प्राइस का सम गिवन है हमें, 7 कैश प्राइस है, 7 कैश प्राइस है उनका सम। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, 7 कैश प्राइस कितने दिए, 700। जो उसने बोला कि जो पहले प्राइस था, जो आगे वाले है प्राइस है, वो पहले वाले प्राइस से कितने कम हो जाएंगे, 20। देखिए हमारे पास कितने प्राइस है, रफ पिक्चर बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं फर्स्ट प्राइस को एम लेट कर लेती हूँ तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसीडिंग पहले वाले से कितना कम है, 20। अगर मैंने पहले को ए लेट किया तो दूसरा कितना होगा, ए माइनस 20। तो तीसरा कितना होगा, जो ये आया इससे कितना कम होगा, 20। ए माइनस 20 माइनस 20 कितना होगा, ए माइनस 14। क्लियर है आपको, ये मैंने एक रफ पिक्चर बनाई है। यहाँ पर देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज बनानी आनी चाहिए। फर्स्ट प्राइस को आपने क्या लेट किया, लेट द फर्स्ट प्राइस बी ए, लेट द फर्स्ट प्राइस बी, फर्स्ट प्राइस को आपने क्या लेट किया, ए। देखिए इस फर्स्ट प्राइस से मैं सीरीज बनाती हूँ कैसे। पहले अपने फर्स्ट प्राइस ए था, दूसरा कितना हो गया आपके पास, फर्स्ट प्राइस से 20 कम, तीसरा कितना हो गया, 40, अगला कितना होगा, 60, डैश डैश। क्लियर, देखिए ए था, फिर ए माइनस 20, क्यों, उसने लेस बोला। अगर वो मोर बोल देता तो यहाँ पर हर बार 20 20 क्या हो जाता, प्लस हो जाता। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, ए, फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, ए। कॉमन डिफरेंस डी कितने आपके पास, पिछले वाले टर्म में से अगले वाले टर्म को माइनस किया तो आपके पास ए कितना आया, माइनस 20। क्लियर, अब हमारे पास सम दे रखे है, कितने प्राइस का सम, 7 प्राइस का सम कितना है, 700। 7 प्राइस का सम कितना है, 700। 7 प्राइस का सम 700 है। एस 7 का फॉर्मूला लगाइए, 7 बाय 2 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, डी कितने आपके पास, माइनस 20 इक्वल टू 700। 7 बाय 2 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई में माइनस 20 इक्वल टू 700। क्लियर, देखिए 7 बाय 2 2a माइनस 120 इक्वल टू 700, 2a माइनस 120 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7। ये टर्म इक्वल की इस साइड, नीचे थी तो ऊपर, ऊपर थी तो नीचे, अगर रूल के मुताबिक करें, डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में थी तो डिवाइड में। 2a माइनस 120 कटिंग की तो कितना आया आपके पास, 200। 2a इक्वल टू 320 ऐड हो गया, a इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। फर्स्ट प्राइस कितना आया आपके पास, फर्स्ट प्राइस कितना आया, 160। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई आपके पास, यहाँ पर मैं सबको रब कर देती हूँ। आपने
आपने लिखना है नीचे सीरीज में, फर्स्ट प्राइस भी 160, सेकंड प्राइस 37 प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू मेंशन करनी है आपने। ये क्या आपके पास प्राइस, ये मैंने आपको रफ में आपने पूरा सिस्टम से लिखना है। देखिए फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 160, दूसरे की कितनी होगी 140, 20 कम 120, 100, फिर कितनी होगी 100 में से 20 माइनस किए 80, 80 में से 20 60, 60 में से 20 40। क्लियर हुआ, फर्स्ट प्राइस 160 का, सेकंड प्राइस कितना होगा 160 में से, हर फर्स्ट प्राइस में से 20 लेस करना है आपने, तो कितना हो जाएगा 140। फिर सेकंड में से थर्ड कैसे निकालेंगे 120, 120 में से 20 लेस किए कितना आएगा 100, 100 में से 20 लेस किए 80, 80 में से 20 लेस किए 60, 60 में से 20 लेस किए 40। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16।